सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटे के बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों आज के वीडियो में हम अपने वेबसाइट को वेरीफाई करेंगे वेब मास्टर टूल में। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अभी तो मैंने कोई भी पोस्ट नहीं लिखा है, फिर भी चलते हैं हम लोग फटाफट वहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं ताकि मेरे डोमेन का काम यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अगर आप डोमेन जहाँ से लिए हैं पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो के नीचे जो दिया गया लाल कलर का बटन है उसको दबा के फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहिए। तो सिंपली सा दोस्तों यहाँ पे आपको वेब मास्टर टूल लिखना है गूगल सर्च बार में। सबसे पहला वाला वेबसाइट होता है यहाँ पे, इसे हम लोग यहाँ पे फटाफट अभी ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, जिस ईमेल आईडी से हमने अपना वेबसाइट को बनाया उसी ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे पहले से पासवर्ड डाल के रखा हुआ, सब चीज़ करके रखा हुआ है, तो कंटिन्यू पे फटाक से क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। बस एक बार लॉगिन जब हम हो जाएंगे तो हमारा वेब मास्टर टूल में यहाँ पे अकाउंट फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा वेब मास्टर टूल में अकाउंट बन चुका है। तो अपने हम लोग अभी डोमेन को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डोमेन जो हमारा है, ये हमारा डोमेन हुआ iatechnicalhindi.xyz। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं iatechnicalhindi को तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा नया चैनल है ताकि हम लोग लाइव हो सकें बहुत जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपना डोमेन नेम देंगे और यहाँ पे वेबसाइट ही रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे जिस टाइप से है उसी टाइप से यहाँ पे दे देना है और सिंपली ऐड ए प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रॉपर्टी ऐड हो चुका है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड पे एक बार क्लिक करेंगे और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रॉपर्टी ऐड हो चुका है। तो हम लोग सिंपली अभी इसे पहले वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे वेरीफिकेशन डिटेल्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि वेरीफाई हमारा हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी तो किए ही नहीं है तो होगा कहाँ से, तो हम लोग इसे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे वेरीफिकेशन डिटेल्स हम लोग एक बार इसका चेक करते हैं कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई फेल और यहाँ पे सी नेम रिकॉर्ड हमारा ये हो चुका है। ठीक है, ओनर हमारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अनवेरीफाइड हो जाएगा, ये हमारा ओनर है, हम ही ओनर हैं इसके। और यहाँ पे डिफरेंट मेथड के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे। यहाँ देख रहे हैं डायरेक्टली गोडैडी आ चुका है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, हमने जो डोमेन लिया है गोडैडी से, तो यहाँ पे देखिए पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, मेरा ऑलरेडी पहले से यहाँ पे लॉगिन है तो हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक अभी यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। यहाँ से ऑथोराइज हम लोग कर देते हैं इसे, यानी परमिशन हम लोग इसे दे देते हैं। तो यहाँ पे ऑथराइज हो गया डोमेन मैनेजर। ठीक है, ये हमारा डोमेन को लोग खोज रहा है और थोड़ी देर के अंदर ये वेरीफाई हो जाएगा। पहले देख लीजिए ये नया डोमेन है, कभी कभी इसमें टाइम भी लगता है। ये देखिए वेरीफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, 60 सेकंड के बारे में ये बोल रहा है डोमेन वेरीफाई कर देगा हमारा 60 सेकंड के अंदर। और कभी कभी फेल भी हो जाता है, अगर आप लोग करते हैं तो फेल हो जाता है तो छोड़ देना है क्योंकि नया डोमेन जल्दी से वेरीफाई नहीं होता है। और कभी कभी एक हमारे व्यूवर थे, उन्होंने हमें कॉल किया था, गोडैडी से .in डोमेन लिया था उन्होंने, तो वो वेरीफाई कर रहे थे तो वेरीफाई नहीं हो रहा था, वेरीफाई फेल्योर। तो आपको वहाँ पे बराबर वहाँ पे ट्राई करते रहना पड़ेगा, जैसे ही वेरीफाई हो जाता है तो आपका जहाँ से डोमेन लिया आपने वो सब सारा मामला वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अभी तो यहाँ पे 25 सेकंड के बारे में बता रहा है लेकिन ये लगता है कि ज़्यादा बता रहा है क्योंकि 25 सेकंड तो हो भी गया होगा लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई फेल्योर लिखा गया क्योंकि ये नया डोमेन है। ट्राई करेंगे अनदर पे, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस पेज को हम लोग कम्प्लीटली यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये रिफ्रेश हो जाएगा। सॉरी, हम लोग को यहाँ पे अपना नहीं, यहाँ पे हम लोग को अपना यहाँ पे डोमेन के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से सेटिंग के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफरेंट मेथड के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे देखिएगा इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे डोमेन प्रोवाइडर है, इसको टिक लगाएंगे और उसके बाद यहाँ गोडेडी सेलेक्ट करके यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। वेरीफाई के ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने गोडेडी का पेज होगा, साइनअप या लॉगिन जो भी करना है कर लीजिएगा, आप लोग लॉगिन करना होगा और यहाँ पे ऑथराइज हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसेस कम्प्लीटली यहाँ पे फास्टली से हो रहा है और देख लीजिएगा इस बार होना ही होना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्मेशन का एक मैसेज आ चुका है। अब हम लोग यहाँ से कंफर्म करते चले जाएंगे और ये कंटिन्यू, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डोमेन सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे हम अभी रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारा वेरीफिकेशन का यहाँ पे मैसेज आया है या नहीं आया है, क्या है नहीं है, सारा फंडा यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा सब चीज़ यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, देख लीजिए 60 सेकंड पहले हमने पार्क कर दिया है और यहाँ पे हमारा सब चीज़ आ चुका है। वेरीफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, सारा वेरीफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है, अब यहाँ से भी हम लोग इसे देख सकते हैं, हमारा साइट यहाँ पे कम्प्लीटली वेरीफाई है। अब यहाँ से हम लोग वेरीफिकेशन डेट यहाँ डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, वेरीफिकेशन डिटेल्स, और यहाँ पे अब हमारा कम्प्लीटली यहाँ पे सक्सेसफुली 1 मिनट पहले हमने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे कर दिया है। और यहाँ पे ईमेल आईडी भी हमारा है, 1 मिनट पहले यहाँ पे सब कुछ हो गया है, हम सब सक्सेसफुली सक्सेसफुली सक्सेसफुली। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग अपना डोमेन को वेरीफाई करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, कभी कभी डोमेन वेरीफाई नहीं होगा तो आपको रुक जाना है, थोड़ा देर के बाद करना है, ठीक है, ताकि ये हो सके, ठीक है। ऐसा कभी मत समझिएगा कि नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है, क्या करें, तो यहाँ पे नो पोस्ट है हमारा, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों फाइनली आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।